प्रदेश के कई जिलों में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद सरकार एक्शन में आ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध रूप से शराब बनाकर बेचने वालों के खिलाफ कार्यवाही के कड़े निर्देश दिए हैं, जिसके बाद एक्शन में आई कन्नौज पुलिस ने एक हफ्ते में ताबड़तोड़ छापेमारी कर कई शराब माफियाओं को गिरफ्तार कर लिया है। शराब के खिलाफ शुरू हुए अभियान को लेकर पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद सिंह का कहना है कि जिले में अवैध शराब का धंधा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। शराब के निर्माण और बिक्री के विरुद्ध कार्रवाई की जाती रही है। अभी कुछ जनपदों में अवैध शराब की वजह से हुई मौतों के परिप्रेक्ष्य में 18/11 से एक अभियान चलाया गया। इसमें जो खास करके ठेके हैं उसको फोकस करके ये अभियान था। इसमें जिलाधिकारी और मेरे द्वारा 5 स्थानों पर स्वयं जा करके जो देसी शराब की दुकान थी उसका सत्यापन किया गया। इसके अलावा इस अभियान में जो है जो 18 तारीख से चल रहा है और 15 दिनों का अभियान है, तो इसमें थाना स्तर से भी कार्रवाई की गई है। और प्रधानी के चुनाव की आहट होते ही ग्रामीण इलाकों में अवैध शराब डंप की जाने लगी है। प्रधानी के संभावित उम्मीदवारों ने चुनाव में शराब बांटने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश के कई जिलों में अवैध जहरीली शराब पीने से कई मौतें भी हो चुकी हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 18 नवंबर से अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ 15 दिवसीय विशेष अभियान शुरू किया गया है। तपनचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जुड़े रहिए अपने शहरों की खबरों के संसार के साथ, पंचौरा न्यूज़ के साथ।